नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास मांगा गया है। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़े हुए इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी किया जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों ये संशोधित विज्ञापन है, इसे पहले भी जारी किया जा चुका है और इसके अंतर्गत हेल्पर आया अटेंडेंट के पदों पर भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 23 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, हेल्पर आया अटेंडेंट के टोटल 5 पद पर भर्ती किया जाएगा। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10वीं पास, प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 6,000 रुपये। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट का यहां लिंक दिया गया है। यहाँ पर जाके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा विज्ञापन जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला नारायणपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कार्य परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग छोटे डोंगर के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ग्राम पंचायतों का नाम देख सकते हो, कौन कौन से ग्राम पंचायतों में भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 26 सितंबर 2022 तक कार्य परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय छोटे डोंगर में सीधे या फिर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 40 वर्ष। 1 वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। और इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख सकते हो क्या मांगा गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास या फिर 11वीं बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग यहां पर डिटेल से विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को आवेदन पत्र कहां से मिलेगा, प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा, तो आप लोग कार्य परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग छोटे डोंगर के अंतर्गत जाके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तीसरा विज्ञापन भी दोस्तों छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा में रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा 21 सितंबर 2022 को। बेमेतरा जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बेमेतरा कार्यालय परिसर रूम नंबर 65 में 21 सितंबर 2022 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों नव किसान बायो प्लांटेक लिमिटेड बिलासपुर द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव के 10 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 8,300 रुपये से लेके 14,000 रुपये तक, आयु होना चाहिए 20 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक। इसी प्रकार दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर के टोटल 5 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ होना चाहिए। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक, आयु होना चाहिए 22 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप लोग योग्यता रखते हो तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए रोजगार मेला में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और अगर आप लोगों के पास अन्य डॉक्यूमेंट दस्तावेज है तो उसे लेकर जिस दिन रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा उस दिन ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेकर उपस्थित हो जाना है। चौथा विज्ञापन जारी है कालाधीश शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जिला कांकेर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों स्टाफ नर्सों के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दिया गया है। और दोस्तों अगर आप लोग दावा आपत्ति करना चाहते हो
तो 22 सितंबर 2022 तक काले समय प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हो। दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्टाफ नर्स के पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची देख सकते हो। अगर आप लोगों ने आवेदन किया है, अप्लाई किया है, तो आप लोग अपना नाम यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग पात्र हो या अपात्र। और अगर आप लोग दावा आपत्ति करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पर डिटेल से नाम दिया गया है। और दोस्तों अगर आप लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ लिंक दिया गया है। यहाँ पर जाके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 5वां विज्ञापन जारी किया स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 साक्षात्कार के बाद चयन सूची जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 15 सितंबर 2022 से लेकर 21 सितंबर 2022 तक अवकाश दिनों को छोड़कर शेष कार्य दिवस में प्रातः 10:30 बजे से समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति एवं छाया प्रति के साथ निर्धारित समय में काले जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर। और दोस्तों आप लोग यहां पर चयन सूची में नाम देख सकते हो, आप लोगों का चयन किया गया है या नहीं, या चयन सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं। यहां पर चयनित अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है, उसी के बगल में उसके माता पिता का नाम दिया गया है और यहां पर पद का नाम दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों का जिनका चयन किया गया है यहाँ पर डिटेल से विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इन सभी विज्ञापनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके इन सभी विज्ञापनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों से संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।